तो नए साल की शुरुआत सुरक्षा कवच के साथ है। जी हाँ, 2021 पीछे छूट गया है, नए साल 2022 की शुरुआत हो गई है। पूरी दुनिया जश्न में डूबी हुई, कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण कुछ पाबंदियां भी थी। हालांकि लोग उत्साहित थे, वो नए साल से काफी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी आशा तो यही है कि नया साल पिछले 2 साल जैसा नहीं हो, पहले की तरह लोग बेफिक्र होकर घूम सके, अपनी मर्जी से खा पी सके, कोरोना और उसके खौफ से दुनिया को मुक्ति मिले, रोजगार बढ़े, जिंदगियां पटरी पर लौटे। अभी तक खैरियत यही है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण महामारी की पिछली लहर के समान अस्पतालों में भीड़ नहीं बढ़ी है, ना ही संक्रमितों की बड़ी तादाद में मौतें हुई हैं, खासकर वैक्सीनेशन करा चुके लोगों की। इससे 2022 के लिए उम्मीद की एक किरण नजर आती प्रतीत होती है। वही 3 जनवरी से शुरू होने वाले बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है और यही उम्मीद लगातार बनी हुई थी कि आखिर बच्चों का वैक्सीनेशन कब होगा, बच्चों को वैक्सीन कब लगेगी। अभी टीका 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा। आज से करीब 1 हफ्ता पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का ऐलान किया था। बच्चों के लिए फिलहाल वैक्सीन का सिर्फ एक विकल्प होगा, जो कोवैक्सीन ही होगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, क्या करना होगा, ऐसे तमाम सवाल होंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल जानकारी आपको दे दूं कि आज आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 3 तारीख से अब आपके बच्चों को, जो कि 15 से 18 साल की उम्र के बीच है, उनको वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। एक ही विकल्प है कोवैक्सीन, इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। तो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि घर बैठे अपने बच्चों के लिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले government.in वेबसाइट पर जाएं, उसके बाद कोविन पर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बच्चे का नाम, उम्र जैसी कुछ जानकारियां आपको देनी होंगी, ये बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद मोबाइल पर कन्फर्मेशन एक मैसेज आएगा, अपने इलाके का आप पिन कोड डालें, आपके सामने वैक्सीनेशन सेंटर की एक लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद तारीख और समय के साथ अपना वैक्सीनेशन स्लॉट आप बुक करा सकते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपने बच्चे को कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने से पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ और सीक्रेट कोड की जानकारी देनी होगी, जो रजिस्ट्रेशन करने पर मिलती है। चलिए, बच्चों का वैक्सीनेशन कहाँ होगा, कैसे होगा, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। सरकारी सेंटर पर बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन होगा। इसके अलावा बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन सरकारी सेंटर पर होगा, निजी अस्पताल में भी आप बच्चों को वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों को मुफ्त वैक्सीन लगेगी, यानी कि अगर आप सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं, आप वहां का स्लॉट बुक कराते हैं तो आपको मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। लेकिन अगर आप निजी अस्पताल में जाते हैं और निजी अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगाने की सोच रहे हैं अपने बच्चों को, तो आपको उसकी कीमत देनी होगी। तो ये कहाँ आपको, आपके बच्चों को वैक्सीनेशन होगा, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। निजी अस्पताल में अपने बच्चों को भी आप वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कीमत चुकानी होगी। सरकारी अस्पताल में मुफ्त वैक्सीनेशन बच्चों का किया जाएगा। तो 3 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा बच्चों के लिए, जो कि 15 से 18 साल की उम्र के हैं। तो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए तमाम राज्यों ने कमर कस ली है, इसके लिए तमाम तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन इस वक्त की मांग है और इसलिए ये बेहद ज़रूरी है। देश में 15 से 18 साल की उम्र के करीब 8 करोड़ बच्चे हैं। वैक्सीनेशन का फायदा इन तमाम बच्चों को मिलेगा और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे बच्चे और ज़्यादा मजबूत होंगे। नए साल को देखते हुए सुरक्षा को लेकर धार्मिक स्थलों पर और सार्वजनिक जगहों पर भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। तो आपको ये भी हम बताएंगे कि किस तरह की गाइडलाइंस है।
तो घर बैठे आप स्लॉट बुक कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। फिलहाल 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन होगा, उससे जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं और जल्द ही उम्मीद है कि 2022 में जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनका भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए आप आज से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, जिसको लेकर हमने ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बताया कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी देने के लिए डॉक्टर शशांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शशांक, सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया की तरफ से, और सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत डॉक्टर शशांक, आज से जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। देखिए, ये तो जानकारी हमने दे दी अपने दर्शकों को कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कैसे तमाम चीजें आप कहां जाकर स्लॉट बुक करा सकते हैं, लेकिन आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि अब वैक्सीन आ चुकी है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए, क्या इम्यूनिटी बढ़ानी होगी बच्चों की, किस तरह का उनका खान पान रहेगा सबसे पहले, और बच्चे अगर वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं तो उन्हें पहले क्या करना होगा? देखिए, वैक्सीनेशन के लिए कोई अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। इत्तेफाक से मैं पीडियाट्रिशियन ही हूँ और हम तो जन्म से लेके 18 साल की उम्र तक जो भी बच्चों के टीकाकरण होते हैं वो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। चूंकि ये नई बीमारी है इसलिए लोगों में अप्रिहेंशन इसके बारे में थोड़ा ज्यादा है, इसमें क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। आप नॉर्मल सिचुएशन में ही जैसे बच्चे को लेके आएंगे और अपना वैक्सीनेशन कराएंगे, और कोवैक्सीन वैक्सीन बच्चों के लिए अप्रूव की गई है 15 से 18 साल के बीच में, तो उसमें थोड़े से साइड इफेक्ट्स कम हैं। पहले से ही हम लोगों ने जो 18 साल से ऊपर के बच्चों को लगवाया था तो उसमें देखा था कि ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहे थे और आएंगे भी तो सामान्य जो किसी भी टीके में आ सकते हैं, बुखार जहाँ पे टीका लगा है वहाँ पे दर्द हो सकता है। डॉक्टर शशांक, यानी कि जो 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगा था, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन हो, जो इफेक्ट्स उसके थे वही इफेक्ट्स 15 से 18 साल के बच्चों में भी देखने के लिए मिल सकते हैं कोवैक्सीन अगर बच्चों को लगती है तो? जी जी, वही वही असर, वही सारी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा बच्चों में टीके, इस टीके के लिए इसलिए सरकार और वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इसलिए अप्रेहेंसिव हैं क्योंकि बच्चों में इम्यून रिस्पांस बड़ों के मुकाबले काफी तेजी से होता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि इन पे ट्रायल हो जाए और अगर कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं आ रहा है और हमारे बच्चे सेफ हो सके इसलिए इसमें इतना टाइम लगाया जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर शशांक, अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन बच्चों को लगने जा रही है 15 से 18 साल के बीच जो बच्चे हैं, जो अंतराल रहने वाला है, क्या दूसरी डोज भी बच्चों को कोवैक्सीन की ही लगेगी, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? जी, वही वही कोवैक्सीन की ही सेकेंड डोज लगेगी और 28 दिन के बाद लगेगी। 28 दिन का अंतराल होना चाहिए। जी, तो एंटीबॉडी, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो वैक्सीन आम लोगों को लग रही है, जो अब तक हम जैसे लोगों को लग चुकी है, तो ये एंटीबॉडी बनाती है 28 दिन के अंदर, क्या बच्चों में ही सेम प्रोसेस रहेगा? जी, सेम प्रोसेस रहता है, सारी चीजें सेम रहती है। यही वैक्सीन जो अभी तक हम लोग बड़ों में लगा रहे थे वही वैक्सीन हम बच्चों में भी लगा रहे हैं, और बच्चों में जैसे मैंने अभी आपसे पहले बताया कि इम्यून रिस्पांस और ज्यादा होता है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस वही रहेगा, सारी चीजें वही रहेंगी, और ऐसी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि इसमें बच्चों में ज्यादा अच्छा रिस्पांस आएगा। चलिए ठीक है डॉक्टर शशांक, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमें देने के लिए। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं क्योंकि 2022 से बेहद उम्मीद है, उम्मीद ये कि बच्चों के लिए 15 से 18 साल के जो हैं उनकी वैक्सीन तो आ चुकी है, लेकिन जो उनसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन भी जल्द से जल्द 2022 में आ सकती है, इसकी उम्मीद हम लगाए बैठे हैं। अब देखना होगा कि 2022 कितनी खुशियाँ देशवासियों के लिए लेकर आता है।